देख रहे हैं, हर कोई अपनी जान बचवाने के चक्कर में है, तो इस वक्त इनके किरदार को आप हाँ, लोग हर कैसे? एक में देखे, हर एक में इतनी हिम्मत नहीं होती है, मैं क्या कहूँ। सबकी कमजोरियाँ होती हैं, लोगों में हिम्मत नहीं है। इन्होंने लोगों की वीडियोस, ऑडियोस, फाइलें बना के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। पहले करवाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब हम नहीं जानते किसकी क्या परेशानी है। आपको भी कहीं गिरफ्तार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? पता नहीं, अब तो समझ ही नहीं आती कि क्या करेंगे। कभी सोचा था कि ऐसा होगा मुल्क के अंदर? सोचा नहीं था, लेकिन अब हर कुछ, अब समझते सब कुछ हो सकता है। जब मेरे ये घर में घुसे थे, मैं हर वक्त सोचती हूँ कि शायद मेरे घर में ये दोबारा घुसेंगे। और मैंने अब अपने, मैं तो अपने, मेरे जो मुलाजिम जिनको लेके गए थे, एक तो बेचारा बहुत बीमार हो गया, एक जो ड्राइवर आया निकल के, मैंने उसे कहा था कि जब भी आए दोबारा, मुझे कह रहा था मेरी लिस्टों में नाम आ गया, मैंने कहा जब भी आए मुकाबला करके जाना, हाथ पकड़ के मत जाना इनके साथ। जैसे हमने देखा कि देख रहे हैं, हर कोई अपनी जान बचवाने के चक्कर में है, तो इस वक्त इनके किरदार को आप लोग कैसे? हर एक में देखे, हर एक में इतनी हिम्मत नहीं होती है, मैं क्या कहूँ। सबकी कमजोरियाँ होती हैं, लोगों में हिम्मत नहीं है। इन्होंने लोगों की वीडियोस, ऑडियोस, फाइलें बना के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। पहले करवाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब हम नहीं जानते किसकी क्या परेशानी है। आपको भी कहीं गिरफ्तार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? पता नहीं, अब तो समझ ही नहीं आती कि क्या करेंगे। कभी सोचा था कि ऐसा होगा मुल्क के अंदर? सोचा नहीं था, लेकिन अब हर कुछ, अब समझते सब कुछ हो सकता है। जब मेरे ये घर में घुसे थे, मैं हर वक्त सोचती हूँ कि शायद मेरे घर में ये दोबारा घुसेंगे। और मैंने अब अपने, मैं तो अपने, मेरे जो मुलाजिम जिनको लेके गए थे, एक तो बेचारा बहुत बीमार हो गया, एक जो ड्राइवर आया निकल के, मैंने उसे कहा था कि जब भी आए दोबारा, मुझे कह रहा था मेरी लिस्टों में नाम आ गया, मैंने कहा जब भी आए मुकाबला करके जाना, हाथ पकड़ के मत जाना इनके साथ। जैसे हमने देखा कि